है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जयसवाल ब्यूटी। आई एम प्रिया और आज हम बात करेंगे एक अच्छे मेकअप के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टेप होता है मेकअप में प्राइमर का। सबसे जो फर्स्ट वाला स्टेप होता है वो है प्राइमर। एक अच्छा प्राइमर आपके पास होना ज़रूरी है। प्राइमर दो तरह के आते हैं, एक होता है जो लिक्विड बेस और एक क्रीम बेस में होता है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हमें अप्लाई करना होता है कंसीलर। आप कंसीलर अप्लाई कर लीजिए या फिर अगर आपके पास पेन स्टिक हो तो वो, ये है मेरे पास ओलिविया की पेन स्टिक, आप इसे देख सकते हो इसका शेड। और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कंसीलिंग का। हमें अपने फेस पर दाग धब्बे को छुपाने के लिए कंसीलर का यूज कर सकते हैं। ये है मेरे पास दूसरा एक कंसीलर है जो है लिक्विड कंसीलर और ये है स्विस ब्यूटी का। और एक अलग तरह का जो कंसीलर आता है वो होता है इस टाइप के पैलेट में और इसमें 5 से 6 शेड मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो इसमें 6 शेड्स। और ये वाला जो कंसीलर पैलेट है ये भी हमें बहुत अच्छा एंड फुल कवरेज देता है। कंसीलिंग के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं एक अच्छा फाउंडेशन। कंसीलर अच्छे से अप्लाई होने के बाद उसे आप अच्छे से सूखने दीजिए अपने फेस पर, थोड़ा टाइम लीजिए। देन उसके बाद हमें यूज करना होता है जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक फाउंडेशन का, और ये भी है स्विस ब्यूटी का प्राइमर फाउंडेशन। और अगर आपके पास ये वाला फाउंडेशन है तो आपको प्राइमर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी फाउंडेशन के अंदर हमें प्राइमर भी मिल जाता है। और अगर आपकी स्किन टोन सावली है, जो कि हमारे इंडियन स्किन टोन है, तो आपके लिए ये वाला फाउंडेशन परफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आपको फाउंडेशन, कंसीलिंग या फेस पे जो भी क्रीम अप्लाई करना है, एक आप अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास होना चाहिए और इसको आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसके बाद सेट कर लीजिए। प्राइमर, कंसीलिंग एंड फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसके बाद हमें फेस पे लूज पाउडर से अच्छे से जो भी क्रीम हमने अप्लाई किए हैं उसको सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आपके पास लूज पाउडर भी होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप है आई मेकअप का। आई मेकअप के लिए हमारे पास आई शेडो पैलेट होना ज़रूरी है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आई मेकअप कीजिए सबसे पहले आई को प्राइम कीजिए, देन कंसीलिंग कीजिए एंड लूज पाउडर से कंसीलर को सेट कीजिए, उसके बाद ही आई शेडो कलर्स अप्लाई कीजिए। इससे जो हमारा आई मेकअप है बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लॉलेस लगता है और बहुत देर तक टिका होता है। और उसके लिए आपके पास ज़रूरी होना चाहिए ब्रशेस। वैसे ये है 2 ब्रशेस, इन 2 ब्रश के हेल्प से भी आप फेस मेकअप एंड आई मेकअप कर सकते हो। आई मेकअप के लिए होना चाहिए आपके पास एक अच्छा काजल, और मुझे ऐसा लगता है कि लैक्मे का काजल भी बहुत अच्छा हमें कवरेज देता है। इसके बाद मेरे पास है मस्कारा। आई मेकअप में मस्कारा भी ज़रूरी है, इससे जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छा लगता है, हमारे पलके भी बड़ी लगती है। और एक अच्छा सा आई लाइनर, ये है ब्लू हेवन का आई लाइनर। और एक अच्छी सी लिपस्टिक भी होनी चाहिए आपके मेकअप में। अगर आप थोड़ा अच्छा लुक चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए एक ब्रॉन्जिंग पैलेट। ये ब्लश का काम करता है, ये है स्विस ब्यूटी का ब्रॉन्जिंग पैलेट। इसमें है 3 शेड्स और समथिंग, मुझे लगता है ये 280 के समथिंग का इसका प्राइस है। और ये ब्रॉन्जिंग पैलेट मुझे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और इसके जो 3 शेड्स है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड सबसे लास्ट प्रोडक्ट है वो है मेकअप फिक्सर। जो भी प्रोडक्ट हमने अपने फेस पे अप्लाई किए हैं एंड जो भी मेकअप किया है हमने, उसको टिकाए रखने के लिए हमें एक अच्छा मेकअप फिक्सर भी चाहिए होता है। इससे मेकअप बहुत देर तक टिका रहता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल जयसवाल ब्यूटी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं हूँ प्रिया जयसवाल। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।